गर्मी की करते हैं। उत्तर भारत में गर्मी का सितम जारी है। उत्तर भारत में लू और भीषण गर्मी का मानो कहर पड़ रहा हो। यूपी दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी से लोग बेहाल हैं। अगले 5 दिन गर्मी बढ़ने का भी अनुमान है। दिल्ली में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं और मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया है। यानी 5 दिन, आने वाले 5 दिन गर्मी और बढ़ने की भी आशंका है। और राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रही है। गर्मी के कारण बिजली की डिमांड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि बिजली की डिमांड 8000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। इसको लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि राजधानी में किसी भी जगह बिजली की कटौती नहीं की गई और इस मांग को पूरा किया जा रहा है। दिल्ली में गर्मी ने मचा दिया हाहाकार। प्रचंड गर्मी से बढ़ी बिजली की मांग, टूटे बिजली की मांग के सारे रिकॉर्ड। 8000 मेगावाट पहुंची बिजली की डिमांड। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर राज्य इन दिनों लू की चपेट में हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। आने वाले दिनों में इससे राहत मिलने के आसार नहीं है। इसी बीच दिल्ली में भीषण गर्मी के साथ बिजली की डिमांड भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। भीषण गर्मी से दिल्ली में बिजली की मांग का रिकॉर्ड टूट गया है। दोपहर के समय पीक आवर पर डिमांड 8000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। ये दिल्ली के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बिजली की मांग है। राजधानी में बीते दिनों बिजली की मांग बढ़कर 7717 मेगावाट तक पहुँच गयी, मगर अब ये रिकॉर्ड सबसे उच्चतम स्तर पर पहुँच गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 10 साल में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे पहले दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 29 जून 2022 को रिकॉर्ड 7695 मेगावाट तक गई थी। वहीं अगस्त 2023 में 7438 मेगावाट बिजली की मांग थी। साल 2021 और साल 2020 में 6500 मेगावाट से ज्यादा बिजली की मांग दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, साल 2019-2018 में 7000 से ज्यादा और साल 2017 में 6526 मेगावाट बिजली की मांग थी। तो वहीं 1 जुलाई 2016 को 6261 मेगावाट और 19 जून 2015 में 5846 मेगावाट तक मांग पहुंच गई थी। बिजली कंपनियों के मुताबिक बिजली की मांग पर मौसम का गहरा असर पड़ता है। अप्रैल 2024 में अधिकतम बिजली की मांग 3809 मेगावाट और 5447 मेगावाट के बीच थी। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल 2023 के दौरान दिल्ली में अधिकतम बिजली की मांग 3388 और 5422 मेगावाट के बीच थी, जिस पर मंत्री आतिशी ने कहा कि भीषण गर्मी और इतनी भारी डिमांड के बावजूद दिल्ली की पावर सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली इस समय सीवियर हीट वेव एक्सपीरियंस कर रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तापमान है 45 डिग्री के ऊपर रहा है। कल दिल्ली के कुछ हिस्सों में 48 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच गया। इस बढ़ती हुई गर्मी की वजह से बिजली की डिमांड 15 साल में पहली बार अपनी पीक पर मई में ही पहुंच गई है। अक्सर जो बिजली की पीक डिमांड होती है वो जुलाई अगस्त के महीने में दिल्ली में आती है, लेकिन 21 मई को दिल्ली अपनी हिस्टोरिकल पीक डिमांड पर पहुंचा। 7717 मेगावाट की पीक डिमांड 21 मई को दिल्ली में रही। ये दिल्ली के इतिहास में हाईएस्ट पीक डिमांड रही है। बिजली की मांग बढ़ने का बड़ा कारण भीषण गर्मी का बढ़ना है। पारा चढ़ने के साथ एसी कूलर का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे बिजली की खपत में भी वृद्धि हो रही है। चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए आने वाले समय में
बिजली की मांग और ज्यादा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।